ओके okay. ये हला हमारा रेगुलर, सॉरी ये हो गया हमारा रेगुलर कांच का पीट्रक जो आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल कांच का पीट्रक। ये अभी लेटेस्ट आ गया पीवीसी का पीट्रक। अभी कांच के पीट्रक में हमको मिनिमम एक हाइट चाहिए होता है जो कि इस वाले पीट्रक से ज्यादा है ट्रेडिशनल में। इसमें आपका पीट्रक का हाइट ज्यादा है, इसमें पीट्रक का हाइट कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इस वाले पीट्रक में हमको मिनिमम पानी, एक बाल्टी पानी चाहिए कोई भी जो मैला है उसको पुश करके बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसमें वो सब चीज़ नहीं ज़रूरत है, इसमें सिर्फ आपका एक लीटर पानी से काम हो जाएगा। रीज़न, इसमें जो हम लोग वेट क्रिएट करते हैं पानी ज़्यादा डाल के, जब प्रेशर होगा तब निकलेगा, इसमें ऑलरेडी वेट बैलेंसिंग है। ये इसमें फ्लैप डोर है, इसमें ऑलरेडी वेट बैलेंसिंग है, तो जब भी इसमें मिनिमम वेट जो इसके वेट से थोड़ा सा ज़्यादा हो आ गया तो ऑटोमेटिक ये से नीचे चला जाएगा और आपका जो मैला है वो वॉश आउट होएगा। तो चाहे आप लैटिन हो या फिर टॉयलेट हो, जो भी इसमें डाला जाएगा मिनिमम वेट से अगर ज़्यादा हो गया नीचे से फ्लश हो गया, ये इसका रीज़न। अभी सबसे मोस्ट बेनिफिट चीज़ है इस पीट्रैप में, जब हम ग्राउंड फ्लोर में या फिर गांव में लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सांप हो या फिर कुछ भी जैसे चूहा हो गया, यहाँ से घुस के वो लैटिन पैन के थ्रू बाथरूम के अंदर आ जा रहा है, लेकिन इसमें वो सब चीज़ नहीं होगा। रीज़न, इसमें एक डोर है, फ्लैप डोर, जो तुरंत मैला जाने के बाद बंद, तो इसमें ना कोई रेप्टाइल जाने का चांसेस है, ना ही स्मेल आने का चांसेस है और ना ही इंसेक्ट आने का चांसेस है। तो ये वाला चीज़ आज के डेट पे लेटेस्ट है और ये अपना जो पुराना सिस्टम है, तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि इससे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दें। ये आपका रेट में भी सस्ता है, कैरी करने में भी ईजी है, फिटिंग में भी ईजी है। धन्यवाद।